सच नहीं कहा, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। और आज ये लोग अपनी साफ बोली की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था, और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। और मैं फिर इस बात को मैं कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीमा चोरी दोनों नहीं कर सकता है। अब बात सुनिए, दोनों काम नहीं कर सकते। अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए।